आपके की ना लहसुन और अदरक पीसने की जिम्मेदारी है। ये नानी अम्मा की बाड़ के लिए, नानी अम्मा की उस सब्जी के लिए मान लीजिए हम पहुंचने वाले हैं। मामी यहाँ पर आते आते थक गए, बैठते जाएं जी। मर्द एक तरफ और औरतें एक तरफ बैठती जाएं। बच्चे भी माशाल्लाह सब आ चुके हैं, रौनके लग गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देते जाएं, दीजिए, देते जाएं। हाँ भाई आप सब खुश हैं जी? चलें ठीक है, ठीक है। ये बच्चे अभी रहते थे जिन्होंने खाना तकसीम करवाने में हमारी साथ में मदद की। आप लोगों को राहगीरों के घर नज़र आ रहे होंगे, उस दिन गए थे हम जी सुबह की रूटीन बनाने के लिए राहगीरों के घर, और वहां पर हमने जी उनके हालात और आसार आप लोगों को दिखाए सारा कुछ, और उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो हमने आप लोगों को दिखाया था। तो लाइफस्टाइल दिखाने के बाद उनके लिए मतलब हमने ऐसे मामी ने कह दिया कि आपके लिए ना खाने का इंतज़ाम जो है ना हम करेंगे, एक दिन आपके लिए दावत बनाएंगे। तो अल्लाह पाक उन आपियों को सलामत रखे जो हमारी बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देते हैं। मेरी तो अम्मी जान है। बिल्कुल, अल्लाह पाक उस अम्मा जी को सलामत रखे, खुश खुर्रम रखे। वो अम्मा जी पहले भी काफ़ी गरीब लोगों की मदद करती हैं और हमारे साथ मतलब इस कार्य खैर में हिस्सा लेती हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। जो भी नेक काम हो उसमें सबसे पहले वो हिस्सा लेती हैं। तो वो जी दुबई में रहती हैं, उनकी तरफ से आज उनके लिए दावत का प्रोग्राम है। तो मामू भी साथ में लगे हुए हैं और पकवान भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। मामू खुद साथ गए हैं आज पकवान भाई के, जाके सारा सामान लेके आए हैं और साथ में बैठ के ये बनाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मामी और मैं जो है ना जिम्मेदारी निभाने के लिए गए हुए थे जी। गोश्त वगैरह और भी काफ़ी सारे काम थे तो वो हम करने के लिए गए हुए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। और मामू यहाँ पर अपना जो जिम्मेदारी है मामू की वो निभा रहे हैं। मामू आपके की ना लहसुन और अदरक पीसने की जिम्मेदारी है। सारी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सामान लेकर आया। मैंने वो तो बात सही है अभी की कह रही हूँ, अब मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जब सुबह होती है ना तो मामू उठ के बैठते हैं, हम नमाज पढ़ के जो ही चूल्हे पर वापस आते हैं तो मामू जी सबको समझा रहे होते हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी है परवेज, आपने ये करना है आज जाके उस मकान वगैरह को देखना है, उसकी ईंटें वगैरह ये चीज़। बाकी वो भी साथ में जाते हैं और फिर वो अपनी अपनी जिम्मेदारी जो होती है उनके ज़िम्मे वो अपनी जिम्मेदारी कहते हैं, ख़ुद की भी बताते हैं कि मैं ये करूँगा आज, आप लोगों ने ये करना है, मामी आपके ज़िम्मे मतलब ये काम है, इस तरह मतलब सारा कुछ समझा देते हैं। फिर सारा दिन हमारी उसी हिसाब से रूटीन चलती रहती है क्योंकि ज़िम्मेदारी का काम बहन भाइयों की जब ज़िम्मेदारी स्टार्ट होती है, उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ जब पैसे दे देते हैं ना तब से हमारी ज़िम्मेदारी आगे स्टार्ट हो जाती है, हर चीज़ को केयर से करना, हर चीज़ को बाहिफाजत बामानत हकदारों तक पहुंचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। पूरी कोशिश करते हैं ताकि हम अपने बहन भाइयों की, अम्मी जान जैसे अभी हमें ज़िम्मेदारी दी, अच्छे से अच्छे निभाने की कोशिश करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भी अगर बस कोई गलती हो जाती है ना तो हम माफ़ी चाहते हैं, अल्लाह पाक माफ़ करें, बस अल्लाह पाक हमारी गलतियों को माफ़ करें। मेन चीज़ ये होती है कि अल्लाह पाक को राज़ी करना, बस हम सब पर अल्लाह पाक राज़ी हो, हम सब पर अल्लाह पाक राज़ी हो, उन बहनों पर भी हम पर भी। चिकन वगैरह भी आ चुका है और बाकी मसाला जात वगैरह भी भाई जान ने काट लिए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चावलों को भी भिगो के रख दिया है क्योंकि उनको भिगाना पहले ज़रूरी है जी। बिल्कुल, तो तकरीबन एक घंटा पहले भिगोना ज़रूरी है, फिर जो है ना चावल माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने। यहाँ पर जी चावल भिगो के रखे हुए हैं, इनको पहले अच्छी तरह से धोया है फिर इनको भिगो के रखा हुआ है, बिल्कुल फुल बटा फुल भरे हुए हैं तेज के जी, इनको रखा हुआ है जी। चावलों को भिगो कर मामू जो है वो वहाँ पर साथ में हेल्प करवा रहे हैं, मामी और मैं बाकी घर का काम जो है वो देख रहे हैं। छोटी खाला लोग जो है ना वो अपने घर में हैं और अपने घर का काम कर रहे हैं। आज उन्हें भी हमने बोल दिया कि आप लोगों को खाना जो है ना अम्मा जी की तरफ से है, हम ही आप लोगों को देंगे इंशाल्लाह। घरवालों के लिए अम्मा जी की तरफ से, मेरी प्यारी सी अम्मा। तो कभी कभी ना मैं भूल से ना आप ही कह देती हूँ, उस दिन ना आप ही बोल दिया अम्मी जान को। पता क्या है, अम्मी जान की आवाज़ इतनी प्यारी है ना, यकीन मानो हमारी आवाज़ भी हमारी उम्र की तरह जैसे कि बोलती है आवाज़ जैसे है ना, अम्मी जान की आवाज़ इतनी प्यारी है और बच्चियों से भी ज़्यादा प्यारी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती।
हमारी अम्मी जान की आवाज़ इतनी प्यारी है, फिर मैं भूल जाती हूँ, मैं कहती हूँ आप ही है। फिर अम्मी जान ने कहा शिनाज मैं तो आपकी माँ हूँ, आपने आप ही कैसे बोल दिया। मैंने कहा अम्मी आपने ना व्हाट्सएप के ऊपर अपनी पिक्चर चेंज की है, इस वजह से मैं भूल गई हूँ। फिर मैंने वॉइस करके बताई अपनी अम्मी जान को कि मैं माजरत करती हूँ। फिर भी अम्मी जान आप इतनी, आपकी आवाज़ नाइस है, मुझे इतनी प्यारी लगती है, मैं भूल जाती हूँ, फिर भूल कहना मैं आप ही कह देती हूँ। मामू उधर जी पकवान भाई के साथ काम करवा रहे हैं और मामी इधर मिलकर बाकी साहब के साथ ना यहाँ पर चिकन वगैरह साफ़ करवा रही हैं, क्योंकि बड़ी खाला की जो बहू है वो आई हुई थी, साथ में हेल्प करवा रही थी। जब कैमरा हमने लेकर आए फिर तो वो फिर कैमरा वो जैसे आता है ना भाग जाती हैं। हाँ भाग जाती हैं, तो साइड पे हो जाती हैं, क्योंकि जी अच्छी बात है वो मतलब कैमरे के सामने नहीं आती, तो एक साइड पे रहती हैं। और बाकी चिकन को अभी अच्छे तरह से साफ़ किया जा रहा है, फिर इसको धो के दे दिया जाएगा जो पकवान भाई को, पकवान और भाई पकवान को भाई जी। फिर चावलों में ऐड करेंगे। और जब चावल तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जी उनको भी बुला लिया जाएगा सबको। उन अम्मा जी का कहना था आप उधर कहाँ लेके जाएंगे, आप उन सबको ना अपने घर पे ही बुला लेना और एक साइड पे बिठा के पुरसकून तरीके से उन्हें खाना खिलाइएगा। खाना खिलाएंगे तो इंशाल्लाह अम्मा की ख्वाहिश के मुताबिक वैसा ही होगा, हम खाना बना लेते हैं और उनको यहीं पर बुला लेते हैं और पुरसकून तरीके से और उनको ना यहीं पर अम्मी जान खिलाएंगे। की तरफ से एक और भी जिम्मेदारी है जो हम अगर मतलब के फिर वो हम वहीं जाएंगे घर पे उनके निभाने के लिए। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, सफाई का काम हो गया जी क्लियर, अभी इसको धो के मामी की जिम्मेदारी हो गई ख़त्म, अभी मामू लोग और पकवान भाई जाने, क्योंकि उन्होंने पकानी है। मैं दूसरा काम कर लूँगी ना, प्लेटें प्लेटें सब धो के, गिलास सब, वैसे तो हर चीज़ धुली हुई है, फिर भी जो है ना मक्खियाँ वगैरह है ना तो बर्तनों के ऊपर थोड़ी सी भी बैठे ना थोड़ा सा वो होता है ना बिल्कुल जरासीम हो जाते हैं, तो वो धो के ना उल्टे करके रख देती हूँ। तो फिर जो है जब तक पकवान भाई अपना खाना बना लेगा फिर उसके बाद सबको फिर बुलाते हैं। बाकी सारा काम जो है वो फाइनल हो चुका है। मामू लोगों ने भी लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह और मिर्चें वगैरह सारा कुछ बना लिया है। पकवान भाई यहाँ पर पानी वगैरह इनको अच्छी तरह से धो धो भी रहे हैं, धो भी लिया है, धो के घी भी ऐड कर दिया है, मेरे ख्याल में घी ऐड कर दिया है। अभी इन्हें चूल्हे में जलाते हैं आग और देगों को चढ़ाते हैं जी ऊपर, और साथ साथ में जी ये पत्तल तैयार हो रही है, ये नानी अम्मा की बाढ़ के लिए, नानी अम्मा की उस सब्ज़ी के लिए, तो ये भी लगानी है। ये फ़िलहाल मतलब इतनी तैयार हो चुकी है अभी, और साथ साथ में तैयार हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों देगे चढ़ चुकी हैं जी चूल्हे के ऊपर और दोनों में पकवान भाई ने मुर्गी ऐड कर दी है। और तैबा देखने के लिए आई हुई है, ऐसे नहीं चाले खाओगी, ये चावलों को ना चावल चाले बुलाती है, चाले खाएगी तैबा आज, खाओगी मम्मा चाले खाओगी ना, अभी क्या खा रहे हो, मूंगफली खा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली तौर पर चावल भी डाल दिए हैं पकवान भाई ने अंदर देख के, और हीट जो है ना आग की बहुत ज़्यादा है, आग काफ़ी ज़्यादा जल रही है, हवा की वजह से और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। खाना फाइनली तौर पर तैयार हो चुका है, अभी मामी और मैं जा रहे हैं जी उनको बुलाने के लिए, राहगीर भाइयों को, उनके लिए यहाँ पर जगह बनाते हैं पुरसकून तरीके से, उन्हें बिठा के यहीं पर खाना खिलाएंगे जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले तो उनके पास चलते हैं जी, चल के उनको बुला के ले आते हैं। मान लीजिए हम पहुंचने वाले हैं, मामी यहाँ पर आते आते थक गई है बेचारी, अभी शाम भी होने वाली है, इनके शाम के खाने का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह उन अम्मा जी की तरफ से हो गया है। अल्लाह पाक इन सब को खुश खुर्रम रखे और उस अम्मा जी को भी खुश रखे। हमने यहीं पर खड़े होकर सबको आवाज़ लगा दी है जी, और सभी ना तैयारी कर रहे हैं जी जाने की, मामी और मैं इंतज़ार में खड़े हैं कि जल्दी तैयारी करें और फिर इनको लेकर चलें साथ में। सबको जी इकट्ठा कर लिया है और लेकर जा रहे हैं जी वहीं पर, सभी को इकट्ठा कर लिया है ना, सबको इकट्ठा कर लिया, सारे आ गए, चलें आ जाएं आ जाएं। मैंने कहा कल लड़की की बारात आएगी ना, आज सब बारातियों को अपने घर लेके जा रही हूँ, कल वो आए वो लड़की को मेहंदी भी लगा गए, वो कहते दूर से मतलब वो आए ना उनका घर, वो गाना भी बांध गया, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ, तो मैं दुल्हन को भी साथ ले आई हूँ, बैठते जाएं जी, मर्द एक तरफ और औरतें एक तरफ बैठती जाएं।
बस्ती वालों को सबको बुला लिया है, और अभी बच्चे जो दरसगाह के बच्चे हैं उन सबको भी बुला लिया, वो भी आ रहे हैं सभी। और बस्ती वाले अभी कुछ आ भी चुके हैं और कुछ आ भी रहे हैं। आप लोगों की बस्ती वाले में से सारे आ चुके हैं ना? किधर गए हुए हैं वो? अच्छा, काम गए हुए हैं। कहाँ पे? अच्छा, चलें ठीक है। हाँ, ख़वातीन तो आपकी सारी आ चुकी है ना? चलें जी, ख़वातीन इनकी सारी आ चुकी हैं, बाकी जो गए हुए हैं ना वो मतलब काम करने के लिए वही बस बाहर हैं, बाकी सारे आ चुके हैं। अभी देगों को उठा के लेके चलते हैं जी उधर ही, और सबको खाना देना स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबको बिठा दिया जी बिलतरतीब। पानी वगैरह, प्लेटों वगैरह सब का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। बच्चों को भी बुला लिया है। अब सब ना उधर चलें, उधर उन बच्चों के साथ जाके बैठें। चलें चलें चलें, शाबाश। इसके काम चेक करो। अपनी मम्मी के आंखों पे हाथ रख के कहती है, कौन हूँ मैं? कौन है? जाना भाई। सोनी है? अच्छा, सोनी है। दूसरों के नाम लेती है। और अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटें वगैरह जो है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है, और देख भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आ चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान भी सारे के सारे आ चुके हैं अल्लाह के फजल करम से। हाँ, शुरू करें जल्दी, बिस्मिल्लाह करें। मामी जी, छोड़ दो, बस छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज छोटी खाला के घर में रौनक लग गई है। हाँ जी, आज से पता हो गया है घर का भी और दावतों का भी इंशाल्लाह। हाँ, ये रौनक दुबई वाली आप मम्मी की तरफ से है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए ढेर सारी दुआ करनी है और इन सब से भी दुआ करवाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, उस कॉर्नर से स्टार्ट करें। ख़वातीन एक साइड पर बैठी हैं और मर्द हज़रात जो हैं वो एक साइड पर बैठे हैं, और बच्चे जो हैं मदरसे के वो एक साइड पर आके बैठ गए हैं। अभी कुछ राहगीर जो है ना वो भी आ रहे हैं, बच्चे भी माशाल्लाह सब आ चुके हैं, रौनकें लग गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उस माँ के खाने में, रिज्क में, कारोबार में, उम्र में बेतहाशा बरकतें नाजिल फरमाए। देते जाएं, दीजिए, देते जाएं। ये देग हो गया जी ख़त्म, अभी जा रहे हैं जी दूसरी देग उठाने के लिए। शायद भाई चलें, जल्दी जल्दी चलें, ये ख़त्म होने से पहले पहले हम उठा के ले आएं दूसरी देग। चलें इधर से, इधर से, इधर से, पुरसकून तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह जी दूसरी देग आ चुकी है। उसको साइड पर रखें, इसको रखें। सब ने जी पेट भर के खाना खा लिया है? आप लोगों ने? चलें जी, अभी कुछ खा भी रहे हैं जी माशाल्लाह। सब लोग हाथ उठा के, अम्मा जी हैं हमारी जी एक दुबई की, उनके लिए हाथ उठा के दुआ कर दें। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, आप लोगों के रिज्क में भी बरकतें नाजिल फरमाए, उनके लिए भी लंबी उम्र बाबरकत ज़िंदगी के बारे में उनके लिए भी ढेर सारी दुआ कर दें जी। उनके बच्चों के लिए, उनकी रिज्क में बरकत के लिए, उनके उम्र में बरकत के लिए ढेर सारी दुआ कर दें। आमीन आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। अल्लाहु अमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। हाँ भाई, आप सब खुश हैं जी? चलें जी, आप मेरी बहनें आप खुश हैं? चलें जी, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अभी मामी जी को बुलाने के लिए आई हुई हैं जी सब, इनकी शादी है ना। शादी किस लड़की की? वो लड़की तो ज़रा दिखाएं, इधर 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 ले आए, उसको सामने ले आए। ओ, छुरी भी उठाई हुई है जी, जी। गाना किधर है आपका? गाना कहते हैं बांध के गए हैं आपको, किधर है?
ये देखें जी, मेहंदी भी लगाई हुई है और गाना भी है इनके हाथ में, और वो छुरी भी उठाई हुई है। छुरी तो मर्द उठाते हैं, आपने क्यों उठाई हुई है? हम नहीं चाहिए। नहीं, 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 जी के अच्छा, औरतें भी उठाती हैं? चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें मेरी बहनें, आप जा सकती हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। अभी सभी खवातीन मर्द हजरात जितने भी आए थे उनकी बस्ती से जी, सभी खाना खा के चले गए, और यहाँ पर जी अभी बच्चे ही बैठे हैं जो कि बाद में आए। उन पहले वाले बच्चे खाना खा के चले गए, बाद में जो हैं वो बचे हुए हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं मामू और मामी कह रहे हैं जी ये सारे बस्ती में हम तकसीम करने लगे। मामी ने शापर मंगवा लिए हैं पहले से, तो वो शापर आ रहे हैं जी। मामी यहीं पर बैठ कर खा रही है, बाकी कोई खाए ना खाए, मामी को मामू ने दावत है तो मैं तो सबसे पहले खाऊंगी, लेकिन पहले नहीं खाए, सबको खिला के वो खिला दिया है, पेट भर के वो सब चले गए हैं, और मुझे इनवाइट भी करके गए कि आपने ना शाम को हमारी मेहंदी के ऊपर जरूर आना। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं कि मामू को भी लेके आना है, इन्होंने डांस करनी है। नहीं नहीं जाना। चले, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी इनके फंक्शन पे जाऊंगी। पता क्या है, एक तो रात को फिर दवाई खा तो नींद आ जाती है। हाँ बिल्कुल, ये बात, बाकी और कोई मसला नहीं जाने के लिए। चलें शहद भाई को भी लेके जाएंगे। शहद भाई चलेंगे? जी जी चलेंगे इंशाल्लाह, पक्की बात है। हाँ हाँ, इन सबको ले जाऊंगी, अगर मुझे डॉगी काटेंगे ना इन सबको आगे, पैसा सबसे पहले आगे कर दूंगी। अच्छा चलें ठीक है। एक अम्मा जी की एक और अमानत भी थी, लेकिन वो हम कल देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर सभी आए हुए थे ना, कौन कौन से घर से है, तो फिर मतलब मसला बनता, तो इसलिए हम घर घर जाके उनको देंगे। इस तरह मसला भी नहीं बनेगा और हमें पहचान भी रह जाएगी कि कौन से घर जो है ना, कौन से घर से। और शापर आ चुके हैं अभी दी, सब में तकसीम करते हैं, शापर भरवाते हैं जी, सबके घर भेजते हैं। मामी इन बच्चों को दे दें, ये बच्चे जो पानी वगैरह देते रहे ना साथ में, इन बच्चों को दें खाना। इनको भी देता हूँ थोड़ा। हाँ उधर बैठ दो, उधर बैठ जाओ सभी। शाबाश, बैठो, पहले इनको दे दो। हाँ पहले इनको दे दें, ये बच्चे भी रहते थे जिन्होंने खाना तकसीम करवाने में हमारी साथ में मदद की। अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे। ये जी मदरसे के बड़े बच्चे हैं, तो ये साथ में हेल्प करवा लेते हैं। हाँ मामी जल्दी जल्दी बनाए हिस्से, फिर जाके दे आते हैं, फिर शाम भी हो गई है। दस बारह थैली तो बना लिए हैं बस, ठीक है बाकी भी बनाए। गरम गरम है, घरों को गिन लिया मामी नानी अम्मा? ये बना लेंगे। चले चले, इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। आप ना ये वीडियो आप बहन को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है मामू, मैं वीडियो एडिट कर लूँ, आप शायद भाई आप थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा मेरी जगह पे। ठीक है, ठीक है, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे।